Jesu. हालेलुया। कैसे लगता है? भूख लगता है क्या? आज उपवास होते हुए आइए हम थोड़ा स्तुति गान करें। ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए, खड़े होकर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। हला 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 हला। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हे प्रभु येशु, हे प्रभु येशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, शांति दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, चंगाई दीजिए। प्रभु येशु का वचन ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को आलोकित कीजिए, आलोकित कीजिए। येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद। येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद। जब से प्यारा येशु आया मेरा जीव, जीवन बदल बदल गया। तो प्यारा इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया, जान देकर इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया, जान देकर तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन। बस ठीक है, तो बदलना चाहिए है? कुछ बदलाव मालूम पड़ रहा है क्या? अभी मन में आपका कुछ ऐसा विचार है, ये बिंदी बॉस के बाद जाने से, जाने के बाद मैं मेरा जीवन पर कुछ बदलाव जरूर करेगा, ऐसा कोई निर्णय लिया होगा कोई लोग? कितने लोग ऐसा निर्णय लिया है, उन लोग हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसा निर्णय लिया, इसके बाद जाकर रोजानी मैं कुछ बाइबल पढ़ेगा, नहीं तो प्रार्थना करेगा और सब में कुछ बदलाव करेगा, ऐसा कोई निर्णय किया क्या? जरा हाथ फैलाइए, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी देखो इस अभी एक घंटा करीब हम ये मनन करने वाला है प्रभु येशु का ईश्वर वचन के बारे में। ईश्वर का वचन के बारे में मनन करेगा।
देखिए ये मिसा बलिदान का किताब में से मैं पढ़ने चाहता हूँ। सुसमाचार पढ़ने की तैयारी, सुसमाचार पढ़ने की तैयारी। याजक ये प्रार्थना करता है, हे मसीह सबके प्रभु, पिता की महिमा के तेज, उसी पिता के प्रतिरूप तूने अपने आप को हमारे जैसा ही मानव शरीर में प्रकट किया है और अपने पवित्र सुसमाचार की ज्योति से हमारे अंधकारपूर्ण मन को प्रकाशित किया है। सदा तेरी महिमा हो और तेरी स्तुति हो, आमीन। ओ मसीह विश्व की ज्योति, सबके जीवन जय हो उस अनंत कृपानिधि की जिसने तुझे हमारे बीच भेजा है। सदा सर्वदा जय हो, आमीन। देखो बाइबल पूरा ईश्वर का वचन है, बाइबल पूरा ईश्वर का वचन है। ईश्वर इंसान से बात करता है। एक प्रेम कहानी है, एक प्रेम गीत है, लेकिन इसको गहराई में समझना जरूरी है। गहराई में समझने से ये बाइबल को दो भाग समझना चाहिए, पुराना वेदस्थान और नया वेदस्थान। वो पुराना वेदस्थान में जो पहला पांच पुस्तक मोशा नबी का लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, वो सब में प्रभु कैसे उनके वचन के द्वारा सब सृष्टि को बनाया और उसके बाद मुक्ति का योजना कैसे उन्होंने बनाया। तो उन्होंने सब नबियों के द्वारा वचन भेजा, नबियों के द्वारा पुराना वेदस्थान में। लेकिन नया वेदस्थान में प्रभु स्वयं जो ईश्वर हैं शरीर धारण करकर आकर उन्होंने स्वयं हमारे लिए अपना वचन दिया। तो उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो इब्रानियों के नाम पत्र, पहले पत्र इब्रानियों के नाम ग्रंथ में पहला अध्याय में लिखा है। इब्रानियों के नाम पत्र में पहला वचन में ये लिखा है कि प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विविध रूपों में हमारे प्राचीन काल में प्रभु ने बार बार और विविध रूपों में हमारी पूर्वजों से नबियों द्वारा बोलता था। अब अंत में वह हमसे प्रभु द्वारा बोलता है। एक मिनट ठहरिए।
ओके सो फर्क ने फर्क समझ में आया. पुराना वेद स्थान, पुराना नियम और नया नियम के साथ फर्क क्या है? अभी क्या होता है, सब लोग बातचीत करता है क्या? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पूर्वों से नबियों द्वारा बोला था, नबियों द्वारा बोला था. और देखो, देखिए, देखो बच्चा लोग थोड़ा बैठ जाइए, बच्चा लोग, वो बच्चा लोग थोड़ा बैठ जाओ. देखो सब ध्यान से सुना, ध्यान से सुनिए. अब अंत में सब लोग हाथ उठाते हुए दोहराइए ऊंची आवाज से. अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है, उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी के उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है. वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है. वह पुत्र, जोर से, वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है. उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है. उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचे है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उसके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है. ये सिर्फ इतना समझने के लिए, ये बाइबल क्या है अभी समझ में है ना? पुराना प्राचीन काल पर नबियों के द्वारा ईश्वर ने हमसे संदेश दिया, लेकिन अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा. अभी इसको थोड़ा सा गहराई में सोचना चाहिए. पुत्र द्वारा मतलब पुत्र कौन है? पुत्र ईसा मसीह है. और पुत्र को हम ये समझना चाहिए वो पुत्र ईश्वरी है. पुत्र कौन है? ईश्वरी है. वो योहन का सुसमाचार में अध्याय 1:18, योहन का सुसमाचार में अध्याय 1:18 में लिखा है. पुत्र को कैसे जाना चाहिए? अध्याय 1:18, अध्याय 1:18 में लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा. सब लोग बोलिए, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा. हाथ ऊपर उठाते हुए, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा.
कहाँ हो? अधरा। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा? पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर, ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। मतलब किसी ने ईश्वर को, किसी ने पिता को नहीं देखा। और उसके बाद कहा है कि पिता की गोद में रहने वाले एकलौते, उसके बाद क्या लिखा है? एकलौते, एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र, एकलौते मतलब पुत्र, एकलौते पुत्र, उसके बाद लिखा है ईश्वर। वो एकलौते हैं और ईश्वरी है। ओके थोड़ा तो हम लोग को ये समझना चाहिए, प्रभु ईसा मसीह सिर्फ पुत्र मात्र नहीं, वो स्वयं ईश्वरी है, ईश्वरी है। क्योंकि पिता परमेश्वर उसको सबका उत्तराधिकारी बनाया, उसका बराबर में बनाया। वो उसका तत्व का, उसका तत्व मतलब जो सच, जो पिता है, वो पिता में जो कुछ भी है वो सब पुत्र में है। अच्छा, ऐसे अभी इसीलिए मैं समझना चाहिए कि कोई लोग देखो बाइबल अड़क से देखता है, हाँ ईश्वर का वचन ऐसा लिखा है, ऐसा ठक से गुल लेता है, कहीं से भी एक वचन लेता है, हाँ ईश्वर ने कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब ईश्वर ने कहा वचन है, परंतु सुसमाचार प्रभु ईसा मसीह शरीर धारण कर वजन मनुष्य बनकर आया, फिर कहा, तो उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो ईश्वर के वजन का समझने में ये ध्यान रखना चाहिए। उस समाचार का ग्रंथ चले गया, उस समाचार और बाकी अन्य वजन में फर्क है, फर्क है। प्रभु यीशु ने नहीं तो सुसमाचार के बारे में योहन का सुसमाचार शुरू में यही बताया है कि आदि में शब्द था, वो शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वरी था। उसके बाद कहता है कि वह, वह देखो शब्द को वह क्यों बोलता है? वह, वह ईश्वर के साथ था, वह ईश्वरी था। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा ज्यादा से दिलचस्पी नया वेद स्थान नहीं तो प्रभु यीशु का वचन पर देना चाहिए, प्रभु यीशु का वचन पर देना चाहिए। यीशु का वचन में वैसा शक्ति है, वो अगर हम लोग रोज पढ़ेगा और उसको बारे में मनन करेगा तो ईश्वर को, ईश्वर का उस सत्य, ईश्वर जो सत्य है वो हमारे अंदर बहता है, हमारे अंदर रह जाता है। प्रभु यीशु
उनका प्रवचन चालू होते हुए मत्ती के सुसमाचार में पांचवा अध्याय में, जिसको हम लोग बर्फ प्रेरित बोलता है, बर्फ प्रेरित है नहीं, नहीं बर, वो तो जर्मन है, क्या बोलता है, पहाड़ी प्रवचन। मेरा जर्मन में बोलता है बर्ग, बर्ग मतलब पहाड़, प्रेरित मतलब प्रवचन, बर्ग प्रेरित पहाड़ी प्रवचन। हमारा बचपन में हम लोग बच्चा लोग फादर लोग को कुछ निक नेम देता है एकदम, कोई कोई फादर को कुछ 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 तमाशा में एक नाम डालता है फादर लोग, वो फादर आता है उसका, उसको हम लोग मत्ती पाँच छः सात बोलता है, मत्ती पाँच छः सात उसको हम लोग ऐसा बुलाता है, मत्ती पाँच छः सात आ रहा है, इसलिए कि वो फादर जी रोज प्रवचन देता है मिसा में। अभी कोई भी सुसमाचार पढ़ेगा तो भी वो आस्ते आस्ते बोलेगा मत्ती पांच छह सात पर प्रभु ने ऐसा बताया, उसी में ले आएगा। तो मेरा एक सुझाव है, कम से कम मत्ती पांच छह सात तीन अध्याय आप अच्छी तरह पढ़ने से उसके अनुसार हमारा जीवन को बनाने से हम लोग बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन पर बहुत सक्सेस, बहुत ऊंचाई होगा। कौन सा अध्याय, मत्ती पांच छह सात, मत्ती पांच छह सात। तो मत्ती पांच छह सात में प्रभु ने पहाड़ के ऊपर आ गया और सब चेले लोग उनके पास आया, ईसा का विशाल, ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बोलेगे उनके और बैठ गए। ये सब का बहुत बहुत अर्थ है, वो बहुत विशाल जनसमूह को देखा तब एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, वहां पर बैठ गया मतलब वो सबों का उत्तराधिकारी होते हुए आधिकारिक अवस्था में लोगों को पढ़ाई देने वाला है एक अधिकार के साथ। इसके लिए वो बैठा। वो जो राजाओं सब जो बैठकर कुछ अधिकार के साथ जो बोलता है वैसा बैठा और सब चेलों ने उनके पास आ गया, उन्होंने और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। देखा ईश्वर का वचन से क्या होता है, शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या है, हमें सिखाता है प्रभु, हमें सिखाता है, हम लोग बहुत कुछ सीखता है लेकिन सबसे पहला हमें ये सीखना चाहिए ईश्वर का ज्ञान और ईश्वरीय जीवन का मकसद क्या है वो सीखना चाहिए। मैंने कहा, मैं रोज यही बोलता है, हे पिता, हे प्रभु परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरा जो जानकारी सिर्फ थोड़ा सा है, एक बिंदु जैसा है, लेकिन जो मुझे जाने का है वो तो एक समुद्र जैसा पड़ा है, वैसे सच्चाई
सच्चाई में हमें जानने के लिए इतना सारा है। मुझे अभी 73 इयर्स का उम्र हुआ, 73 मतलब कितना है, 72 नहीं, 73। अभी मुझे प्रभु ने ये सुसमाचार का एक व्याख्यान लिखने के लिए बोला है, समझाने के लिए, सब लोगों को समझ, वो लिखना हो तो कम से कम 15 साल लगेगा। तो मैंने सोचा और एक 20 साल मुझे और जीना है, इसलिए मैं अच्छी तरह मेरा तंदुरुस्ती को अच्छा करता है और 20 साल प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, और ये 20 साल मैं ये चाहता है कि मैं और पढ़ना चाहिए, प्रभु से और शिक्षा लेना चाहिए, प्रभु से और शिक्षा लेना चाहिए। कलेसिया का देखो ये किताब देखने से मालूम पड़ेगा इसको मैं कितना काम करता है इसको लेकर, रोज मैं ये पढ़ता है, देखो ये सब ऐसा हो गया और पढ़ाता है। और मुझे अभी यही एक पछतावा है, देखो प्रभु मैं कितना देरी हो गया ये सब पढ़ने में, मैं पहले पढ़ना चाहिए था। मेरा मुझे 2 बच्चा है, मेरा लड़की वो भी शादी हुआ उन लोगों को बच्चा है, मेरा लड़की ये बाइबल का थियोलॉजी पढ़ा है, थियोलॉजी जैसे फादर लो सिस्टर लो पढ़ता है ऐसा मेरा लड़की को वो पढ़ाया, और उसका पति वो भी वही पढ़ा है, और वो दोनों मेरा जैसा ईश्वर का काम में लगा है ना, अच्छा लगता है ना क्या। और मेरा लड़का और ये लड़की अभी यूरोप में है, ऑस्ट्रिया में है, वियना में, और मेरा लड़का अमेरिका में है, वो इंजीनियर है, लेकिन वो भी कलेसिया का जो हमारे पल्ली का कैटेकिज्म पढ़ाते हैं। तो जब मैंने ये सब पढ़ने लगा पढ़ा तब मेरे द्वारा ये जो मेरा परंपरा में जाता है, आपको कैसे लगते हैं आपका बच्चा लोग ईश्वरीय काम पढ़ना चाहिए क्या, चाहिए क्या, जरूर चाहिए, चाहिए तो पहले क्या करना चाहिए, पहले हम खुद पढ़ना चाहिए, हम लोग खुद ईश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, ईश्वर का वचन, हम माँ बाप होते हुए ईश्वर का वचन पढ़ेगा तब वो वजन आस्ते आस्ते हमारा बच्चों पर और हमारा नन्हे मुन्ने बच्चों पर सब आएगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों ने ईश्वर का वजन नहीं ग्रहण करने से वो इन संसार का जैसा हो जाता है, वो संसार में जो कुछ भी बुरा वजन है वो सब सीख जाता है। अच्छा ये तो मैं एक सुझाव दिया है, ये यहां से आप जाएगा तो आप रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, खास करके प्रभु ईसा मसीह का वचन नया वेद स्थान पर सुसमाचार पढ़ना चाहिए। अच्छा अभी मैं एक बहुमूल्य चीज बताना चाहता हूं, प्रभु ईसा मसीह इस पहाड़ पर, पहाड़ी प्रवचन पर सबसे पहले ये बताया, अध्याय 5 मत्ती 5:6-7 में मत्ती का सुसमाचार 5 पद संख्या 3, सब लोग दोहराइए, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। और ऐसे इसमें 10 वाक्य लिखा है,
जैसा कि 10 आज्ञा जैसा सुसमाचार का मत्ती का सुसमाचार में इसको बोलता है आशीर्वचन, आशीर्वचन। अभी इसमें संत पापा ने कहा, प्रभु ने सबसे पहले यही कहा, क्या कहा, आप लोग धन्य है, आप धन्य होगा, आप धन्य होने वाला है, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने क्या कहा, वे धन्य है, आप सब लोग धन्य हैं। क्यों मैं ऐसा कहा, प्रभु ने कहा धन्य है वे अपने को दीनहीन समझते हैं। और जब पहाड़ी प्रवचन पर जो लोग बैठे थे वो लोग कोई बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ ईसाई नहीं था, लेकिन प्रभु ने उन लोगों से कहा तुम लोग सब धन्य हैं। आज सुबह हम देखा 4 लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाई में चढ़ा कर लेके आया और छत तोड़ कर नीचे उतरा, तो प्रभु ने क्या कहा, बेटा बेटा। तो हम लोग ये समझना चाहिए प्रभु यीशु कौन है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर है, और उन्होंने हमारा शरीर धारण करके आया है, वजन शरीर धारण किया, वजन ईश्वर का वजन को शरीर धारण किया, सब मनुष्य उनका शरीर पर है, और उस व्यक्ति ईश्वर का वजन है, उस व्यक्ति प्रभु यीशु, वो जो व्यक्ति ईश्वर का वचन है, प्रभु यीशु स्वयं कौन है, ईश्वर का वचन है, और वो स्वयं ईश्वर का वचन है, इसीलिए उन्होंने कहा मैं संसार का ज्योति हूं मैं, और ईश्वर ने कहा और प्रभु ने कहा मैं अच्छा गडरिया है, और कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और कहा मैं स्वर्ग से उतरे हुए रोटी हूं, मैं। तो हमें ये नहीं, ये समझना चाहिए जो प्रभु जो बोलता है वह होता है, वह हो जाता है। प्रभु वो मरा हुआ युवक को बोला, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो, तो क्या हुआ, उठ गया। तो प्रभु यीशु जो बोलता है वो प्रभु ईश्वर है, उसके वजह से वो ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। ये ध्यान में देखते हुए सुसमाचार पढ़ना चाहिए, सुसमाचार पढ़ना चाहिए। तो ईश्वर का वचन हम पढ़ने से, ईश्वर के वचन को ग्रहण करने से, ईश्वर स्वयं वचन है और वो वचन हम पढ़ने से हमारा जीवन पर ईश्वरीयता, ईश्वर का उपस्थिति बहुत गहराई में होगा, ईश्वर का उपस्थिति, ईश्वर का उपस्थिति हम में सबसे पहले इसके द्वारा होता है, ईश्वर का वचन के द्वारा, ईश्वर का वचन के द्वारा। आपको मालूम पड़ेगा जो कोई भी व्यक्ति से आप कुछ बात करेगा, एक 5 मिनट में समझ जाएगा उसका अंदर कितना गहराई है करके, समझ आएगा ना। कोई भी व्यक्ति से आप एक 5 मिनट बात करें तो
समझ जाएगा वो व्यक्ति के अंदर उनके हृदय पर कितना गहराई है, ईश्वरीयता कितना है। वो इसलिए कि हर एक इंसान का आत्मा में ईश्वर का वचन होने से हमारी आत्मा को ताकत होता है, शक्ति होता है। हमें कुछ भी कमजोरी होगा तो भी वो कमजोरियों को सामना कर सकेंगे। अच्छा, अभी सुनिए, ईश्वर का वचन में, अच्छा मैं एक मेरा जीवन का एक घटना बोलेगा, एक साक्ष्य देना चाहता हूँ। ये मैं कई बार कहा है, मैं जब इंजीनियर था तो हम लोगों को विजिटिंग कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड, वो विजिटिंग कार्ड पर मैं एक वचन लिखा करता था। वो वचन रोमियो का नाम ग्रंथ 8:21 था, रोमियो 8:21, उसमें यह है लिखा है, रोमियो 8:21 में लिखा है, अगर प्रभु तुम्हारे साथ है तो, रोमियो का नाम 8:21। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। सब लोग दोहराइए, अगर नहीं तो, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। और एक बार, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। ये वचन मेरे दिल में बहुत असर पड़ा है। मैं सब जगह लिख रखा घर में, ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा विरोध हो नहीं सकता। ईश्वर हमारे साथ कैसे आया? ईश्वर स्वयं वचन है, ईश्वर हमें उनमें उनके शरीर पर लिया है। ईश्वर हमारे साथ, उसको क्या बोलता है, इम्मानुएल बना। ईश्वर कौन बना? इम्मानुएल बना। ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। बोलिए, ईश्वर इम्मानुएल बना। क्या आप लोग वो नहीं सीखा है? वो थोड़ा सा सीखा, उसके बाद छोड़ दिया। बोलिए, मैं ईश्वर इम्मानुएल बना, कम ऑन, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। मैं अच्छा, तो एक दिन ऐसा हुआ, एक कारखाना में मैं काम करता है, उस वक्त एक आदमी आया, उसको काम चाहिए बोलकर रो रो के आ गया। वो बोला है कि उनका बीबी बच्चा सब भूखा है, काम नहीं है करके। तो मैं सोचा, अच्छा तो तुम मैं काम लगाता हूँ और तुमको पैसा देगा। लेकिन वो एक डाकू था, मतलब एक खतरनाक व्यक्ति था। वो किसी को मार डालने के बाद ये कारखाना के अंदर आकर, क्या बोलता है उसको, टू हाइड, पुलिस नहीं पकड़ने के लिए वो कारखाना के अंदर घुस के बैठा है। तो लेकिन पुलिस को आगरे में पता चला ये व्यक्ति खतरनाक है, वो तो किसी को मार डाला है, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कारखाना का अंदर बैठा है, काम करता है करके।
और पुलिस मुझसे कहा उसको नौकरी से निकाल दो, क्योंकि उसको नौकरी नहीं देना चाहिए, उसको हम लोग अरेस्ट करके ले जाएगा। अरे बाप रे बाप, तब अभी मैं क्या करेगा। मैंने उससे कहा देखो भाई, ये आपको अभी इतना दिन मैं काम दिया, उसका पैसा लेके आप जाइए, मुझे अभी दूसरा नौकरी देने के लिए नहीं हो सकता है। तो अब उसको बहुत गुस्सा हो गया, क्यों ऐसा कहता है, अब तो मुझे इतना दिन के लिए रखा, अभी मुझे क्यों छोड़ता है। और उसका अंदर का वो गुस्सा बाहर आने लगा, वो मुझसे मेरे साथ मारपीट करने के लिए आया। तब मेरा बाकी जो नौकर लोग उसको पकड़ कर दूर कर दिया। उसके बाद दोपहर को मैं थोड़ा सा आराम करता था फैक्ट्री का गेस्ट हाउस में, तो आराम करते वक्त मैं दरवाज़ा बंद नहीं किया था, ऐसे ही रखा, क्योंकि गेस्ट हाउस है कोई आता नहीं है। लेकिन मुझे एक कटकटाने आवाज़ आया, नींद से मैं उठा, देखा तो ये आदमी एक बड़ा चक्कू लेकर खड़ा है और बोलता है मैं तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, कौन है तुम्हारे साथ, कौन तुम्हें बचाएगा। पहले मैं सोचा है क्या मैं सपना देखता है क्या, नहीं सपना नहीं है, वो तो हकीकत, एक खड़ा है बहुत बड़ा, एक चक्कू देकर, चक्कू मतलब क्या बोलता है हथियार, और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तो कि बहुत लोगों को मार डाला है, अभी और एक आदमी को मार डालने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हो मैं हृदय से प्रभु से रोने लगा, हे प्रभु मैं अभी क्या करूं, मेरा पत्नी बच्चे ये सबको देखने भी नहीं सकेंगे। वो बोलता है कि मैं तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, लेकिन उस वक्त वो बार बार ये पूछता है तुम्हारे साथ कौन है तुम्हारे साथ, वो इसलिए पूछता है कि मैं अभी अकेले हैं, मेरा लोग तो इधर नहीं है। लेकिन मेरे हृदय पर प्रभु ने कहने लगा तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारे साथ मैं हूं। और ये वचन आवाज से मेरे हृदय पर, मेरे हृदय में ये वचन का आवाज आया, यदि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारा विरोध होगा। हाँ वो बात सही है। तो ये बार बार पूछता है कि कौन तुम्हारे साथ है, तो मैंने कहा मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ प्रभु है, तुम्हारे साथ शैतान है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध होगा। जब मैं ऐसा वचन बोला तब उसको उसका शरीर पर एक गोली लगा, ऐसा हो गया ऐसा करके वो बाहर आ गया। अरे तब मुझे अभी हम मालूम पड़ा, देखो कैसा प्रभु काम करता है। तब मैं उठ खड़े होकर मैं फिर कहा अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन मेरा विरोध होगा। और वो चिल्लाकर पीछे उड़ा। तो मैं तीसरा बार बोला अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन मेरा विरोध होगा। तब वो गिर पड़ा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तुम्हारा वचन में सत्य है,
तुम्हारा वजन ईश्वरी है, तुम्हारा वजन में शक्ति है। हे प्रभु यीशु, उसके बाद मैं सबको ये बोलने लगा। वैसे ही हमारा सुसमाचार चालू हो गया। ये सबसे बड़ा सुसमाचार है। और नीचे गिरने के बाद उसका बहुत पछतावा हो गया, मतलब उसका अंदर जो शैतान घुसा था वो बाहर गया, वो शैतान चले गया। तो ईश्वर का वचन हम बार बार पढ़ने से, सुनने से, ग्रहण करने से हमारी, हमें वो वचन बचाएगा, वो वचन हमको रास्ता दिखाएगा, वो वचन हमारा जीवन पर सब कुछ करता है। वचन हमारा जीवन पर सब कुछ करता है। आइए थोड़ा दोनों हाथ उड़ाते हुए स्तुति कीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अभी सुसमाचार में प्रभु ने ऐसा भी कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 63 को क्या बोलेगा, 66 अध्याय 66 में लिखा है, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। 663 आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन हमारे हृदय पर ईश्वरीय जीवन को बहाता है और हमारे हृदय पर हमेशा वो याद रखता है, वचन को याद करता है। तो एक तो प्रभु यीशु का बोला हुआ वचन, लेकिन पुराना वेद स्थान पर पानी गिरता है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, ओ बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बारिश बहुत गर्मी था, अभी बारिश आ गया। तो देखो इधर बारिश के बारे में एक वचन है, जैसे ही पानी स्वर्ग से गिरते हैं और कभी वापस नहीं जाता है, ऐसाइस का नबी का ग्रंथ में लिखा है, देखिए ऐसाया चैप्टर 55, जिस तरह 55 बोलेगा तो पचपन दस अध्याय 55:10 ये लिखा है, जैसा भी पानी गिरता है ना, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाने और हरियाली से ठके बिना वह नहीं लौटता है। मतलब जो पानी ऊपर से गिरता है इस भूमि को बहुत अच्छा बनाता है और वो कभी लौटता नहीं, कभी लौटता नहीं। वैसा ही ईश्वर का वचन जो हमारा हृदय पर आता है वो हमारा जीवन को फल उत्पन्न करता है,
और वो कभी लौटता नहीं। आइए धन्यवाद देते हुए स्तुति कीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भूपक प्रभु धन्यवाद है, बारिश के लिए धन्यवाद है, गर्मी हटाया धन्यवाद। इतना ज्यादा गर्मी था, वो गर्मी से मैं मुक्ति किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखो धर्म ग्रंथ में अच्छा अभी हम समाप्त करेंगे, अभी अभी चाय पीने का समय अभी आ गया है और ये आवाज से मुझे तकलीफ भी होता है, तो हम लोग थोड़ा खड़े होकर स्तुति कर चाय पीने जाएगा। हालेलुया हालेलुया, सब लोग तालियां बजा कर प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 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 प्रेज द लॉर्ड। अभी बैठिए, हाँ बैठिए, फादर जी कुछ कहना है।